हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू क्वीन एंड व्लॉग। और आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट का। बेसिकली ये एक हीटिंग पैड है जो कि मैंने अमेजोन से लिया था कुछ समय पहले, और मुझे एक्चुअली बैक में पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो जिसके वजह से मैंने ये हीटिंग पैड लिया था। पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, और इसके ऊपर आपको ये एक वेलवेट का कवर मिलता है जो कि रिमूवेबल है। आप जब चाहे तब इसे वॉश करना चाहें तो आप इजीली इस तरीके से इसे निकाल के, और आप इसके कवर को ऊपर जो भी ये इसके अंदर दिया हुआ है इसे आप वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद इस पैड के ऊपर ये यहाँ वेलक्रो दिया हुआ है, आप इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं। इसके बैक साइड में ये बेल्ट दिया हुआ है, आपको जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप इस बेल्ट को इस तरीके से यहाँ वेलक्रो के हेल्प से क्लोज करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा क्या पर्पस था इस बेल्ट को लेने का वॉज दैट कि मैं सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था। फिर मैंने फिजियोथेरेपीज़ के सेशंस भी लेना शुरू किए, बट उससे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी के जो भी हीटिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो भी करना शुरू किए, बट इट वॉज़ वेरी यू नो एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग एज वेल। आपका बहुत ज़्यादा लंबा समय चला जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, और डॉक्टर के सजेशन के बाद मैंने इस बेल्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया, और ये बेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। अब सवाल ये उठता है कि इस बेल्ट को कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बता दूँ, जिस किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिसको फ्रोजन शोल्डर है, या जिसके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन्स में पेन होता है, या जिस किसी का नी ब्लॉकेज है, आपके नीज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो सारे लोग इस बेल्ट को ईजिली आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो बेल्ट लिया है वो इस ब्रांड का है फ्लेमिंगो, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ लिया है। इसके तीन साइजेस अवेलेबल हैं मार्केट में, एक तो है डबल एक्सल, और ये है एक एक्स्ट्रा लार्ज, और एक है मीडियम। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वो साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिया है। मुझे ये बेल्ट पड़ा था 699 रुपीज़ का अमेज़ॉन से, बट इसके प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जब जो ऑफर चल रहा हो आप ले लें। यहाँ पे देखिए, ये आप ये यहाँ पे आपके अगर कोई नी में प्रॉब्लम है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर हाथ में कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने बताया था शोल्डर फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को है तो यूज़ कर सकता है इसे। ऑल राइट, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका एक समझ लीजिए रिमोट सिस्टम दे रखा है जो भी है। ओके, तो ये चीज़ है। इसके पहले मैंने यू नो वो जेल वाला जो हीटिंग पैड होता है वो भी यूज़ किया था, और वाटर बैग्स वगैरह भी यूज़ किए थे, बट उसमें क्या होता था कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसको थोड़ा काफ़ी लंबे टाइम तक यू नो अगर जैसे आधा घंटा 25 मिनट आप कंटिन्यूसली एक ही जगह पे उसको रख रहे हो और हीट ले रहे हो आप, तो वहाँ पे मेरी स्किन जो है ना रेड हो जाती थी और रैशेस से होने लगते थे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन में वहाँ पे एक जलन सा ना सेंसेशन क्रिएट होने लगता है, बट जो ये है इस हीटिंग पैड के साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी जो हीट है ना वो आपके स्किन को नहीं डैमेज करती है, वो सीधे अंदर मसल्स और बोन में जाके इफेक्ट दिखाती है, तो वो इस तरीके से काफी अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखें तो ये काफी हेल्पफुल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ये अच्छी है कि अगर आप इसमें सबसे पहले तो आप इसमें टेम्परेचर भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत कम चाहिए गर्मी, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए इसका टेम्परेचर, तो आप इसे सिंपली 1 पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी यहाँ 0 है, इसके बाद आप ये यहाँ पे 1 पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो आप 2 पे जा सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप इसे 3 पे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है इसमें इस तरीके से। और दूसरा कि आपने अगर इसे एक बार गर्म कर लिया है तो ये मान के चलिए ये 4 से 5 घंटे तक इसकी गर्मी बरकरार रहती है, अंदर जो भी इसका हीटिंग प्रोसेस है ना वो 4-5 घंटे तक कंटिन्यू रहेगा, जो कि मुझे वाटर बैग और ये जो जेल वाला हीटिंग पैड होता है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा था। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था हर 25-30 मिनट बाद ना आपको उठ के जाना पड़ता है और फिर गर्म करना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको लगा के इस तरीके से बेल्ट को टाई करके आप इसे सो भी सकते हो आराम से। ये बहुत ही पतला है तो ये बिल्कुल भी ना आपको चुभेगा ना कहीं पे भी अनकंफर्टेबल देगा। इसके वायर की लेंथ की बात करें तो इसका वायर काफ़ी लंबा है, 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग इसका वायर का लेंथ है, तो इजीली अगर आप बेड पे हो और अगर आपके बेडरूम के आसपास कहीं स्विच है तो इजीली ये आपको आपका मतलब लेंथ वायर का आपके बेड तक आराम से पहुंचेगा, तो बार बार उठ के इसे हीट करने की भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया और बार बार स्विच ऑन ऑफ करने का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहीं से डायरेक्ट इसके रिमोट से ही इसको ऑफ भी कर सकते हो, और जब भी आपको नीड हो आप इसे ऑन भी कर सकते हो। ओके,
इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 1 साल का वारंटी कार्ड भी मिलता है, यानी अगर 1 साल के अंदर अगर आपका ये प्रोडक्ट ख़राब होता है, आप कंपनी को बोलोगे, कंपनी आपको न्यू प्रोडक्ट दे के जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ ऑर्थोपेडिक हीटिंग बेल्ट, जो कि मैं पिछले 10 महीने से कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। और इसको यूज़ करने से सबसे पहले मेरी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, मुझे बार बार सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा मेरा मनी भी काफ़ी सेव हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी थेरेपिस्ट हैं इनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो भी मेरा काफ़ी सेव हो रहा है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस, मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।